क्या नजर आया था आपको उस फाखरा बेगम में जो मेरी माँ मिला था? इतने बेसुकून है आपके? यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या देखा तुमने ताशा? जोड़े तो आसमानों में बनते हैं बेटा, लेकिन जमीन पे आके ख्वार कर देते हैं एक दूसरे को। अब अगर तुमने गुफ्तगू करने का मौका दिया ही है तो मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। नताशा को उस दिलावर से दूर रखो। बहुत जरूरी है, अच्छा आदमी नहीं है वो। मेरी सास और माँ की लड़ाई तो कभी खत्म होगी नहीं, और मैं नदीम से दूर होती जा रही हूँ। दिलावर के मेरी तरफ बढ़ते हुए कदम अब नहीं रोके जा सकते। ऐसे में ये प्रेगनेंसी नो वे। मुझे अब कुछ नहीं सोचना, सिर्फ फैसला करना है। नदीम, अब नताशा का बहुत ख्याल रखना तुमने, बिल्कुल भी मेरी बच्ची को सताना नहीं है। एक बार बाप तो बन जाने दें अपने बेटे को, फिर आपकी बच्ची को बताऊंगा। बीवी मां बनने वाली हो तो उसे सताया नहीं करते, समझे? मॉम, अब अपनी औलाद के साथ मिलकर थोड़ी तो लॉबिंग बनती है ना इनके खिलाफ। नताशा, तुम बहुत फिक्रमंद लग रही हो, खैरियत? जी नहीं, हरगिज नहीं। वैसे होता है, पहली औलाद हो तो माँ को जरा टेंशन होती है, पर तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपके होने ना होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? इस घर में जो सुकून होना चाहिए था वो ऐसी दुश्मनी की नजर हो चुका है जिसका अंजाम कोई नहीं जानता। इस सैलाब में बहकर कौन कहां से कहां निकल गया है, किसी को कोई खबर नहीं। नताशा को उस दिलावर से दूर रखो, बहुत जरूरी है, अच्छा आदमी नहीं है वो।